हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सी रेसिपी जिसका नाम है एग लबाबदार। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 प्याज। यहाँ पर प्याज को मैं छोटा काट रहा हूँ, आप चाहें तो बड़ा भी काट सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है इसकी भुनाई के बाद। दोस्तों, प्याज मैंने यहाँ पर जो लिया है वो मीडियम साइज़ का लिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 2 हरी मिर्च मैं ले रहा हूँ। हरी मिर्च को जो है हमें थोड़ा बारीक ही काट के रखना है, ये हमें लास्ट में जो है काम में लेना है। मसाले में हमें हरी मिर्च जो है वो काम में नहीं लेनी है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं टेस्ट के लिए, बट मैं यहाँ जो है इन्हें गार्निश करने के काम में लूँगा तो मैं इन्हें एक्स्ट्रा अलग से रख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं टमाटर ले रहा हूँ। ये जो आपको दोस्तों दिख रहा है ये लहसुन का पेस्ट है जो मैंने पहले से बना के तैयार रखा हुआ था। टमाटर भी दोस्तों मैं छोटा काट रहा हूँ ताकि जल्दी हमारा बन जाए। ये जो प्याज थे उनका पेस्ट है, ये हमारे दोस्तों टमाटर हैं, यहाँ हमारी हरी मिर्च आ गई है और ये हमारा लहसुन का पेस्ट। ये कुछ काजू मैंने लिए हैं, 8-10 पीस हैं। इसके बाद ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटा अदरक का टुकड़ा ले रहा हूँ जो मैं स्लाइसेस में काट रहा हूँ, ये भी हरी मिर्च के साथ में जो है हमें आगे गार्निश में काम में लेनी है। थोड़ा अदरक मैं इसमें से निकाल रहा हूँ ताकि मैं जो है मसाले में इसको काम में ले सकूँ। दोस्तों जो काजू हमने लिए थे, अभी हमें क्या उनका पेस्ट बनाना है, तो इसके लिए हम इसको एक जार में डाल रहे हैं टमाटर के साथ और थोड़ा इसमें अदरक हम मिक्स कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पैन में मैंने तेल डाला, उसके बाद ये इसमें गरम मसाला है, इसके बाद ये मैं प्याज डाल रहा हूँ इसमें जो पेस्ट है, उसको थोड़ा केयरफुली डालना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों प्याज को डालने के बाद धीमी आंच पे या मिड फ्लेम पे जो है आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पर इसको जो है हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो एक ब्राउन कलर ये ना ले ले। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका कलर जो है प्याज का चेंज हो चुका है, ये वाइट से एकदम ब्राउन अभी हो चुका है। यहाँ पर हम जो है इसमें दोस्तों लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद भी इसको जो है हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों ये लगे ना, अभी मैंने फ्लेम जो है इसकी थोड़ी बढ़ाई है। यहाँ पर मैं 2 इलायची इसमें डाल रहा हूँ। यहाँ पर जो अदरक हमने रखा था थोड़ा कुटा हुआ अदरक मैं इसमें डाल रहा हूँ। अदरक चूँकि जल्दी पैन में जो है वो चिपकता है, इसीलिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसको कंटिन्यू हमें चलाना है। यहाँ पर थोड़ा पानी मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी फ्लेम हाई की हुई है तो इसीलिए इसको मुझे जल्दी जल्दी चलाना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा हल्दी पाउडर ले रहा हूँ, थोड़ी जो है ये लाल सुर्ख मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च नहीं है, ये हमारा धनिया पाउडर है। थोड़ा नमक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद जो है इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि हम मसाले की भुनाई कर रहे हैं तो इनिशियल फेज़ पे हमें इसको जो है थोड़ा हाई रखना है फ्लेम को। थोड़ा पानी और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ पर जो हमने दोस्तों पेस्ट तैयार किया था काजू और टमाटर और अदरक वाला, वो मैं अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अदरक जब भी हम डालते हैं तो उसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, अदरवाइज़ वो चिपकने लगती है। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्लेम तेज़ की हुई है तो मैं इसको जो है अभी कंटिन्यू चला रहा हूँ। इसका कलर चेंज होने तक दोस्तों हमें इसे चलाते रहना है। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं जो है इसको लो फ्लेम पे, पानी नहीं डाला है बाद में, इसलिए लो फ्लेम पे मैंने इसको ढक के थोड़ा इसको जो है
ढक के मैंने इसको धीमी धीमी आंच पे अभी चलाना स्टार्ट किया है दोस्तों। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं साइड से ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमारा लगभग 90% जो है मसाला बनकर जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि मसाले में आपको दानेदार मसाला नज़र ना आए। यहाँ पर दोस्तों मैं इसमें अभी एक एग जो है वो डाल रहा हूँ। अंडे को हमें थोड़ा सेपरेशन में डालना है, टाइम सेपरेशन नहीं, स्पेस सेपरेशन में थोड़ा इसको डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अंडा डाला है, उसके बाद थोड़ा गैप में दूसरा डाला है। क्योंकि जब हम अंडे को डालते हैं तो इसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो थोड़ा फैलता है, तो ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर अंडा ना चढ़े, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस में इसको डालना है ताकि लास्ट में जो है इसको निकालने में हमें प्रॉब्लम ना हो। चलाना नहीं है दोस्तों इसको, यहाँ पर इसको चलाना नहीं है। 5 से 7 मिनट जो है दोस्तों हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ पर थोड़ी काली मिर्च मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी जो भी हमारा जर्दी वाला पार्ट होता है उस पर मैं थोड़ी काली मिर्च इसमें डाल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बनकर हमारी तैयार है एग लबाबदार। यहाँ गार्निश के लिए मैं थोड़ी इसमें हरी मिर्च और अदरक की जो स्लाइसेस हैं वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी ये रेसिपी एकदम कंप्लीट है, अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा केयरफुली हम इसको निकालेंगे, अदरवाइज ये टूटेगा और इसमें गिरेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से हमें यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है। और ये देखिए कितना शानदार जो है ये बनकर तैयार हो गया है। तेल भी आप देख सकते हैं, मसाले की बुनाई जो हमने अच्छे से की थी, ये उसी का रिज़ल्ट है कि तेल पूरा ऊपर आ चुका है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी जो शानदार सी रेसिपी है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर आप इसको गार्निश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा इसमें हरा धनिया ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों टेस्ट और इसका बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए हम यहाँ पर जो है नींबू यूज़ में ले सकते हैं। नींबू भी आप चाहे यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।